तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि एडिटर पैसे कैसे कमाता है। ना ना ना, मैं तुम्हें रातों रात अमीर बनने का कोई स्कीम तो नहीं बताऊंगा, पर एडिटिंग करके पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं वो जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहले तो तुम्हें वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए। अब ये जाहिर सी बात है, अगर तुमको इस फील्ड में काम करना है तो तुम्हें एडिटिंग तो आनी ही चाहिए। तो उसके लिए अगर तुम पीसी यूज़र हो तो तुम्हें फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से आनी चाहिए। और अफसोस मुझे नहीं आती है, वैसे मैं सीख लूँगा जल्दी। मैं भी एक एंड्रॉयड यूज़र हूँ, तो इसीलिए मैं काइन मास्टर, लाइट मोशन, PSCC और आईबीस पेंटेक्स, ये सारी एप्लीकेशन यूज़ करके एडिटिंग करते हैं। बाकी अगर आप भी इन सब को सीखना चाहते हो तो मेरा चैनल है ही, यहाँ पर मैं अब हर वीक नया वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं ट्यूटोरियल्स भी होंगे और बहुत सारे ऐसे वीडियोस होंगे जो रिकमेंड करेंगे आप लोग, वही सारी चीज़ें मैं बनाया करूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे भाई तो वेट किसकी कर रहे हो, जल्दी कर दो। तो अब आता है दूसरा क्वेश्चन। अब आपके पास एक स्किल भी है, पर अब इस स्किल को बेचे किसको? तो देखो, तुमसे तुम्हारे स्किल दो तरह के लोग खरीद सकते हैं, पहला तो है इंडिविजुअल और दूसरा एक ब्रांड। हो सके तो एक ब्रांड को अप्रोच करना, क्योंकि सेम काम के लिए वह ज़्यादा पे करते हैं। ठीक है, वैसे तो एक ब्रांड बिजनेस करते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले वो मार्केटिंग करते हैं। तो अब यहाँ पर तुम्हारा रोल प्ले होता है, तुम इन लोगों के लिए प्रोमो वीडियोस बना सकते हो, शॉर्ट वीडियोस बना सकते हो, शॉर्ट रिव्यू वीडियो बना सकते हो, लोगो रिवील एनिमेशन बना सकते हो। वैसे तो मैं एक लिरिकल वीडियो आर्टिस्ट हूँ, तो मैं लिरिकल वीडियोस एडिटिंग करता हूँ और ये सब भी करता हूँ, लेकिन एडिटिंग, लिरिकल वीडियो एडिटिंग बहुत ज़्यादा ही करता हूँ किसी एक इंडिविजुअल के लिए। अब तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि हम इन लोगों तक पहुँचे कैसे? तो उन लोगों तक आप तीन तरीक़ों से पहुँच सकते हैं। पहला, फ्रीलांस वेबसाइट जैसे अपवर्क, फाइबर, इसमें आपने आज तक जो भी वीडियोस एडिट की है उसका एक पोर्टफोलियो बनाओ और उसे बेचो। अब दूसरा मेथड यह आता है इंस्टाग्राम, जो मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि फ्रीलांस वेबसाइट में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इंस्टाग्राम पर तुम अपना एक प्रोफाइल खोल सकते हो जहाँ पर आप जितने भी प्रोडक्ट्स को बनाए हो या बनाने वाले हो उसे शेयर करते रहो, जिससे क्या होगा आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते जाएंगे, फिर इस तरह से आप इसमें ग्रो कर सकते हो। अब आते हैं हमारे तीसरे मेथड पे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो इसमें आप ब्रांड को डायरेक्ट मेल कर सकते हो, हो सके तो एक उसके जो मार्केटर है उससे मेल करो, क्योंकि इससे आपको जल्दी मेल का रिप्लाई आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप उनसे जुड़ सकते हो। अब तुम्हें पता है कि क्या बेचना है, किसे बेचना है और कैसे बेचना है, तो जाओ और टूट पड़ो।